ना हुए राहुल गांधी। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल रवानगी उनके काफिले की आपके सामने तस्वीरों में कैद है। और इससे पहले आप सुन रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह को, जो कि यूपी सरकार में स्पोक्स पर्सन है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सच सामने आएगा, योगी सरकार प्रतिबंध है कि सच सामने आए, और जो भी सच है वो सामने आएगा, जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से साजिश हो रही है, लगातार राजनीति करने की कोशिश हो रही है हर एक मंच से, वो स्वीकार्य नहीं है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लखीमपुर जाने पर अड़े हुए राहुल गांधी। योगी सरकार की हालांकि इजाजत नहीं मिली है उनको लखनऊ जाने के लिए, लखीमपुर खीरी जाने के लिए, लेकिन रवानगी फिलहाल उनका काफिला आप देख पा रहे हैं पहली बड़ी तस्वीर के तौर पर। तो दो तस्वीरें आपके सामने। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजाजत मांगी। बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई थी राहुल गांधी द्वारा, जिसमें सीतापुर और लखीमपुर खीरी के प्रशासन ने राहुल गांधी को जिले में जाने की इजाजत नहीं दी है। उसके बावजूद उनकी रवानगी होती हुई, उनकी गाड़ियों का काफिला आपके सामने। कांग्रेस पार्टी ने अब से कुछ देर पहले दोबारा से चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने इजाजत मांगी कि उनको जाने दिया जाए। अगर प्रशासन को दिक्कत है तो सिर्फ राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी जाए। ये चिट्ठी अब से कुछ देर पहले लिखी गई थी, जिसमें एक बार फिर से नए सिरे से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन चूंकि इजाजत नहीं मिली, फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने। काफिला है राहुल गांधी की गाड़ी का, क्योंकि राहुल गांधी लगातार लखीमपुर खीरी जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है इस वक्त। और इससे पहले राहुल गांधी ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि विपक्ष का काम प्रेशर बनाना होता है ताकि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो पाए। अगर हम हाथरस नहीं जाते तो वहां दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हमारा काम दबाव बनाना है। और जो बड़ी बातें राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, वो सारी बातें इस वक्त हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें साफ कहा राहुल गांधी ने कि हमारा काम दबाव बनाना है, अगर हम हाथरस नहीं जाते तो वहां के दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। हम तीन लोग जा रहे हैं, सेक्शन 144 पांच लोगों को रोकता है, तीन लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। तो कुल मिलाकर लखीमपुर हिंसा पर दिनों दिन सियासत बढ़ती जा रही है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एनसीपी के नेता है नवाब मलिक, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में मंत्री और आम आदमी के लिए अलग अलग कानून है। नवाब मलिक ने अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग की, तो अखिलेश यादव ने सिटिंग जज से जांच करवाने की बात कही। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या देश का गृह मंत्री हत्या करवाएगा, लोगों को उकसाएगा, तो उनके लिए कोई अलग कानून है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? हम मांग करते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी हो और अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें तत्काल रूप से मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। समाजवादी पार्टी की मांग थी कि सिटिंग जज मॉनिटर करें, जांच कोई भी करे, लेकिन सिटिंग जज के अंडर जांच होनी चाहिए। और अब ये छह तस्वीरें आपके सामने हैं। लखीमपुर हिंसा पर सियासी रंग किस तरीके से चढ़ा हुआ है, सियासी दौड़ भाग किस तरीके से जारी है, उसकी हर तस्वीर इन छह तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। एक तरफ राहुल गांधी,
लखीमपुर जाने की कोशिश में लगातार अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सीतापुर गेस्ट हाउस में नजरबंद है प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको हिरासत में लिया गया। एक तरफ शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है और FIR की जो अब तक की जो दो FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, और जो सबसे बड़ी गवाही है सुमित जायसवाल, उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत की। क्या हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को, उस बात को अपनी इस गवाही के दौरान उन्होंने बताया, और साथ ही साथ भीड़ ने किस तरीके से ड्राइवर को मारा, चश्मदीद की जुबानी, वो भी पूरा घटनाक्रम, और विपक्ष किस तरीके से कृषि कानूनों का विरोध एक के बाद एक दर्ज करा रही है। उसी फहरिस्त में सुबह 10 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि देखिए विपक्ष का काम है प्रेशर बनाना, विपक्ष का काम है दबाव बनाना, और उसी फहरिस्त में लगातार जो सियासी दौड़ भाग है वो भी हम देख पा रहे हैं, और उसी दौड़ भाग की एक तस्वीर पहली तस्वीर के तौर पर जिसमें राहुल गांधी का काफिला लखनऊ के लिए रवाना होता हुआ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने इसी को अनुमति मांगने के लिए चिट्ठी लिखी है, और हमारे साथ रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी, एक बार नहीं दो दो बार अनुमति मांगने की कोशिश की गई है, अनुमति मिले ना मिले, लेकिन राहुल गांधी कूच कर चुके हैं लखीमपुर खीरी के लिए। उनके काफिले की तस्वीरें लाइव इस वक्त। बिल्कुल राहुल गांधी निकल चुके हैं अपने घर से और अभी शांति पथ के आसपास हैं, जो जानकारी मिल रही है, और एयरपोर्ट जाएंगे। हालांकि एक खबर आ रही है, चर्चा हो रही है कि लखनऊ से अपील की गई है प्रशासन से कि उनको दिल्ली से नहीं उड़ने दिया जाए, ये खबर आ रही है, पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन वो चूंकि कोई वो प्राइवेट प्लेन से नहीं जा रहे हैं, वो कमर्शियल प्लेन से जा रहे हैं, और ये इंडिगो की फ़्लाइट है जो 1240 की फ़्लाइट, उससे जा रहे हैं, और उसी में कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी होंगे, चाहे दोनों मुख्यमंत्री होंगे, चाहे फिर तमाम और नेता भी जा रहे, तो किसी को कमर्शियल फ़्लाइट में जाने की इजाज़त से कैसे रोका जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर सरकार चाहे, और सरकार चाहती है कि वहाँ लखनऊ एयरपोर्ट में जाकर कोई ड्रामा ना हो, क्योंकि आपने देखा था कि जिस तरह से राहुल गांधी का डेलीगेशन जब जम्मू कश्मीर गया था जम्मू कश्मीर के मसले पर, तो वहाँ जाके खूब हंगामा और ड्रामा हुआ था, तो शायद ऐसे देखते हुए यहाँ रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है कांग्रेस की तरफ से कि उनको रोकने के लिए, चाहे उनको मना किया गया है कि हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी जब लखनऊ एयरपोर्ट उतरेंगे तो वहाँ ड्रामा तय है, और वहाँ कांग्रेस की पूरी टीम गई एक तरह से कहा जाए। कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, साथ में उनके मीडिया डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन है रणदीप सुरजेवाला, जो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी इस फ्लाइट में जा रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी इसी फ्लाइट में जा रहे हैं, और तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी उनके साथ जा रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के कांग्रेस की तैयारी है कि अगर उनको नहीं जाने दिया जाता है एयरपोर्ट से बाहर, अगर एयरपोर्ट पर रोका जाता है लखनऊ एयरपोर्ट पर चाहे दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो वहाँ सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखा जाए, सामने रखा जाए। देखिए ये बात राहुल गांधी की वाजिब है और कांग्रेस पार्टी की, कि क्यों TMC के नेताओं को जाने दिया गया, क्यों भीम आर्मी पार्टी के लोगों को जाने दिया गया, क्यों कांग्रेस के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। अब ये तर्क सरकार के अपने हो सकते हैं, प्रशासन के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सवाल लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आएगा, और ये सवाल कहीं ना कहीं लोगों को कचोटेगा कि भाई आखिर एक पार्टी को आप जाने दे रहे हैं, दूसरी पार्टी को जा रहे हैं, और तीसरी पार्टी को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसी सवाल के साथ राहुल गांधी जा रहे हैं, और राहुल गांधी जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, ये क्या अपडेट है? एक तरफ दिल्ली से सड़क के रास्ते लखीमपुर जाने की कोशिश हो रही है, एक तरफ सचिन पायलट एयरपोर्ट पर हैं, कि कॉन्वॉय हम राहुल गांधी का देख पा रहे हैं। मैं समझना चाहूंगी, दर्शक समझना चाहेंगे इस पूरी तस्वीर को। बिल्कुल देखिए, चारों तरफ से इस मामले को तूल देने के लिए कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। आप जानती हैं कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी को आज नहीं छोड़ा जाता है, चाहे उनको नहीं मिलने दिया जाता है पीड़ित परिवार से, तो मैं पूरे उनके साथ लाव लश्कर के साथ मैं पंजाब से लखीमपुर के लिए रवाना होंगी। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से सचिन पायलट एयरपोर्ट उतरे हैं, अभी ये बताया जाता है, उनके सूत्रों से जानकारी मिली है, और एयरपोर्ट से वो बाई रोड निकलेंगे और गाजीपुर के रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे, उनको भी रोका जाएगा गाजीपुर के में। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस इस खबर को बढ़ाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किसानों के लेकर वो कितनी आगे है, और किसानों को दो दिन पहले जागरूक है। अखिलेश यादव के घर के बाहर पर पूरा पॉलिटिकल ड्रामा इस पूरी हिंसा के बाद देखा गया था, लखीमपुर खीरी रवानगी से पहले उनको रोका जाता है प्रशासनिक अमले द्वारा, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से सीतापुर के प्रशासनिक अमले द्वारा इजाजत नहीं मिली, लखनऊ से इजाजत नहीं मिल पा रही, लखीमपुर खीरी से इजाजत नहीं मिल पा रही, एक नया पॉलिटिकल ड्रामा फिर से देखने को मिल सकता है जिस तरीके से जिद पकड़े बैठे हैं राहुल गांधी। रवि, इसका जवाब मैं लेती हूं, एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। रवि, पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर
अपने देश का अभिमान। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार, जी न्यूज़।